हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू अकेडमी। आज हम यूटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास शीट ए है, अगर आपके पास कोई और शीट हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिया है, 61 से लेकर 64 तक एक कथांश दिया है, जिसमें से आपको उत्तर चुनने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है, अनुजा इतस्य पदस्य समानार्थी पद्मस्ति। अनुजा का समानार्थी पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अब ये बोला है कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में चीन देश का जो यात्री था ह्वेनसांग, वो भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्री हर्षस्य, मतलब हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट, आकाशित का धातु लकार और वचन बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है, हर्षचरितम ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं बाणभट्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आपको देखिए दूसरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना है आपको। तो यह है मेघदूत है, मेघदूत क्या है, एक विरह काव्य है मेघदूत। नेक्स्ट है, सुदुर्लभ भेद कि जो संधि है, संधि सूत्र बताना है कि इसका संधि सूत्र क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वृद्धि गेची। नेक्स्ट, मेघ का समानार्थी बताना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, झिमूतः। ये जो आंसर्स हैं मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है या कोई आंसर दूसरा लगता है कि नहीं इसका ये आंसर नहीं है, कोई और है, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मेघे कस्य मनोभागा चित्रम अस्ति, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भागे प्रकृते भागत भूमिश्च। नेक्स्ट, गोसूक्त के बारे, गोसूक्त किस वेद से लिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थवेद, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो अगर कोई इस आंसर के लिए श्योर हो तो वो इससे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य के लिए किस पद से व्युत्पत्ति हुई है, उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आचार्य चराचरे विभाति। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको एक पंक्ति दी गई है, उस ये पूछा गया है किस ग्रंथ से ली गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेघदूतम। नेक्स्ट, किरात अर्जुनम नाटक में किरात कौन था, तो इसके ये थे शंकर जी, तो इसमें बी ऑप्शन है शंकर। नेक्स्ट, वाशरी में कौन सा सूत्र है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विसर्ग। नेक्स्ट है, ढ ध्वनि उच्चारित, मतलब ढ ध्वनि कहाँ से उच्चारित होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूर्धा। नेक्स्ट, देखिए आपको एक ग्रंथ का नाम दिया है, ये किस ग्रंथ में उपलब्ध है, नाम दिया है ये किस ग्रंथ में उपलब्ध है ये आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, तैत्तिरीयोपनिषद में। नेक्स्ट है, भागे प्रयत्न कथिता भवंती, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, एकादश। नेक्स्ट, महिला संख्या विशेषण, महिला का संख्या विशेषण बताना है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिख धातु का लड लकार मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आलेख, आलिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय भूतय लक्षणे इति योगे का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति होगी पूछा गया है आपसे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंचमी। नेक्स्ट देखते हैं समाचीनः तालिकाः चुनिते, इसमें तालिका के अनुसार चुनना है जो कि एक दूसरे से सुमेलित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। देखिए ए का तीन है कि पशुफरसा महाप्राणीकरण, बी का एक है घोषीकरण शाकसाक का घोषीकरण, सी का चार है चंद्र चांद, इसे बोलेंगे अनुनासिकरण, मतलब ये कहाँ से उच्चारित होंगे अनुनास से होगी, और स्वादिष्ट ये इसका है दो अल्पव्यंजन। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देवी का प्रत्यय क्या होगा, देवी का जो प्रत्यय होगा वो होगा थर्ड आंसर सी दीनम तीन। नेक्स्ट शार्दुल विक्रतम छंद प्रति वर्णः भवति, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एकोन विसंति। नेक्स्ट है अंतरातीर्ण युक्ते इति सूत्रेण का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति बताई गई है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट आपको एक पंक्ति दी है इति सुक्ति, एक सुक्ति दी हुई है, इसे किस महाकाव्य से लिया गया है ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ए कुमार संभवम। नेक्स्ट ध्वनि संज्ञानेन अर्थबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संवेधा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी श्रवणेन। भाषा शिक्षण भाषा प्रयोगशाला, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भवति। नेक्स्ट बालकस्य बौद्धिक विकास तस्य प्राथमिक स्तरे शिक्षाया मध्यमः का भवेत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मातृभाषा। नेक्स्ट संस्कृत भाषा शिक्षण को अपि छात्रः प्रश्नोत्तर दातुम असमर्थ चेतः त्राहि शिक्षकः किं कुर्यात्, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पुनः पाठ्यत। अध्यापकः कक्षाया शिक्षक शिक्षण उपादनानां उपयोग करोति अनेन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षण बोधगम्य भवति। नेक्स्ट है चारात्मक शिक्षणां इतनेन अभिप्राय अस्ति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षणाम। तो यहाँ आपका पेपर सॉल्व होता है, कंप्लीट हो गया है पूरा। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।